हमारे शरीर का असली बॉस हमारा ब्रेन मस्तिष्क। चलते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन जो है तो छोटा सा, लेकिन शरीर के किसी भी दूसरे अंग से अधिक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई यूज करता है। हमारा ब्रेन बना है करोड़ों नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स से। हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़कर एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाता है। आफ्टर ऑल हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है वो ब्रेन ही कराता है। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम। इसी के कारण हम सोचते हैं, याद रखते हैं और जब चाहें हिलते डुलते हैं। मतलब हम पढ़ाई कर रहे हो या खेल के मैदान में हो, सेरेब्रम ही काम कराता है। सेरेब्रम को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लेफ्ट और राइट। मजे की बात यह है कि लेफ्ट सेरेब्रम शरीर के राइट साइड के मसल से काम कराता है और राइट सेरेब्रम लेफ्ट साइड के। सेरेब्रम के नीचे है सेरेबिलम, छोटा पर काम का, संतुलन बैलेंस और मसल्स के एक साथ काम कराने का काम सेरेबिलम का। मतलब हम खड़े होते हैं, चल पाते हैं, लिख पाते हैं तो सेरेबिलम के कारण। तीसरा हिस्सा ब्रेन स्टेम भी कम ताकतवर नहीं, यही तो मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। साथ में जिंदा रहने के लिए जरूरी सभी काम जैसे सांस लेना, खाने को पचाना और रक्त के संचार को भी काबू करता है। ब्रेन एक बहुत बढ़िया मशीन है, किसी सुपर कंप्यूटर से भी बढ़िया और उससे भी अधिक कॉम्प्लिकेटेड।